आपने अच्छाई बुराई गुड एंड ईवल के अराउंड काफी सारी मूवीज देखी होगी, लेकिन क्या हो कि इसी चीज के ऊपर एक स्कूल फॉर्म हो। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी आई है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहां पर उस मूवी का नाम है द स्कूल ऑफ गुड एंड ईवल, जहां पर इसके टाइटल से ही समझ आ जाता है कि ये चीज क्या हमें प्रेजेंट करने वाली है, जहां पर हमें मूवी के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ काफी सारे ड्रामेटिकल सिनेरियोस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो इसकी स्टोरी दो बेस्ट फ्रेंड एगाथा और सोफी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जहां पर एगाथा अपने लाइफ से काफी खुश है, जहां पर वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है और जितना भी उसे मिलता है वो उसमें जिंदगी जी लेती है। लेकिन जो सोफी का कैरेक्टर है वो अपने लाइफ से उतना खुश नहीं है, जहां पर वो रहती है वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। असल में उसका जो ड्रीम है वो ऐसा है कि वो प्रिंसेस की तरह जीना चाहती है, जैसा कहानी में बताया गया है। अब उसके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं था, लेकिन सोफी को कहीं से स्कूल ऑफ गुड एंड ईवल के बारे में पता चलता है, जहां पर अगर वो स्कूल ऑफ गुड में एंटर हो जाती है तो उसके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम कि वहां तक जाने का रास्ता क्या है और सभी लोग मात्र ऐसे एक कहानी समझते हैं। अब सोफी के एम्बिशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो विश मांगती है कि किसी तरह वो स्कूल में पहुंच सके, और सरप्राइजिंगली उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है, जहां पर एक अननोन एंटिटी उसे लेने के लिए आ जाता है। लेकिन एगाथा को इस बारे में पता चल जाता है और वो सोफी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान वो भी सोफी के साथ वहां चली जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है कि सोफी जो है वो स्कूल ऑफ गुड की जगह पर स्कूल ऑफ ईवल में चली जाती है और एगाथा स्कूल ऑफ गुड में चली जाती है, जिसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है और चीजें किस तरीके से फॉर्म होती है वो आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगा, जो कि आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। अब ये तो हो गया मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके अलावा हम मूवी की डिटेल्स की बात करें तो जो मूवी का ओवरऑल प्लॉट है वो इसके सेम नाम के नोवेल से ली गई है, जहां पर चीजों को किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मूवी को देखकर ही समझ आता है कि चीजों को काफी जल्दी प्रेजेंट किया गया है, जहां पर हमें मूवी के अंदर जो भी कुछ देखने को मिलता है वो कम्प्लीटली डायरेक्टर की ही क्रिएटिविटी है, जहां पर उन्होंने नोवेल्स के एलिमेंट को अपने हिसाब से प्लेस किया है। इसके अलावा अगर हम मूवी के VFX और CGI की बात करें तो उस मामले में मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, जहां पर जिस तरीके का VFX हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है वो सीन के साथ काफी अच्छी तरीके से मैच होता है एंड वो फेरी टेल वाली मैजिकल फील भी क्रिएट करता है, जहां पर आप इस मूवी के VFX को डिज्नी के लाइव एक्शन मूवी से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि उस लेवल का VFX का काम इस मूवी में हुआ है जो काफी बेहतरीन है। इसके अलावा मूवी अपने स्पेशल इफेक्ट्स को लेकर भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, जहां पर जिस तरीके का सेट डिजाइन यहां पर किया गया है, जो प्रॉप्स यहां पर यूज किए गए हैं वो मूवी के ओवरऑल फील को और भी ज्यादा मैजिकल बनाते हैं, यानी कि मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी में काफी अच्छा खासा खर्चा और काफी अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा अगर हम एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो थ्रू आउट द मूवी हमें जितने भी एक्टर्स देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स की एक्टिंग काफी एवरेज सी थी, सिवाय सोफिया एनी को छोड़कर जिन्होंने सोफी के कैरेक्टर को प्ले किया है, जहां जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर के डिफरेंट स्टेजेस को अपने एक्टिंग के थ्रू प्रेजेंट किया है ना, वो लिटरली मूवी में छा जाती है। साथ ही साथ अगर हम एक्शन की बात करें तो मूवी का जो स्टार्टिंग का सीन था ना वो इतना ज्यादा जबरदस्त था कि थ्रू आउट द मूवी आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन मूवी देखने के बाद आपको पता चलता है कि जो भी हमें एक्शन देखने को मिलता है वो उतना ज्यादा हाइप अप नहीं था, उतना ज्यादा एपिक नहीं था, मतलब डिसेंट सा बोल सकता लेकिन उस लेवल का नहीं, जहां पर इसकी मेन स्टोरी में इसके एक्शन पर फोकस ना करके इसके ड्रामा पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसके चलते मूवी काइंड ऑफ कुछ पॉइंट पर काफी बोरिंग भी बन जाती है। इसके अलावा मूवी को जिस तरीके से इन किया गया है वो ठीक तो है लेकिन उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है, यानी कि काफी सिंपली चीजों को इन कर दिया गया है। लेकिन हाँ, मूवी का जो स्टार्टिंग का सीन था ना वो मूवी का सेलिंग पॉइंट है, जहां पर मूवी के क्रिएटर्स की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पहले ही सीन को इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया, जिसके चलते ऑडियंस इस मूवी से बने रहे और कनेक्टेड रहे। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स के साथ अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा, जहां पर मैंने ये रेटिंग इसके स्पेशल इफेक्ट्स और इसके VFX को देखते हुए दी है, जहां पर अगर इसकी स्टोरी पर थोड़ा और अच्छे से वर्क किया जाता और इसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता तो शायद ये मूवी और भी ज्यादा बेहतरीन बनती, लेकिन स्टिल जिस तरीके का कंटेंट हमें यहां पर प्रेजेंट किया गया है ना, इसे आप एक बार तो जरूर देख सकते हो, प्लस आप ये मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। वेल, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरे इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।